जाते आते जाते जो मिलता है तुम सा लगता है। आते जाते जो मिलता है तुम सा लगता है। हम तो पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम, क्योंकि शो है तारों से करें बातें। और मेरे साथ आज शो में फिर से है मेरी प्यारी सी गॉर्जियस सिंगर एलिजाबेथ रॉय, और साथ साथ पॉइंटर गर्ल निर्मल अली, और मेरे कॉमेडियंस जिनके बगैर मेरा शो नामुकम्मल है, मेरे लोटा साहब, वोटर साहब, चाचा जी। किसी गाने से कह रहे हो पागल हो जाएंगे, चाचा पीछे कह रहे इंशाल्लाह। रोज तुम आते ही सू पुछते हो कैसे हैं, क्या हाल है। हाँ। किसी ने दसिया कि अभी एम्बूलेंस चाहते हैं इतने। हसन भाई जिडा ताड़ा पिंड है तुहाड़े उत्ते एम्बूलेंस होनी चाहिए। मेरे पिंड वाले ध्यान पै गया उस हाइट नू, मुलाजा नहीं फरमा हाए। ये तो रोड से टुरे जाते हो ना, सामने को ऊंट नजर आ जाए ना, उन्होंने कहने मुन्ने कहाँ घूम रहे। तीन भैन ने तिना का कद इन्ना है। क्या बात है। एक दिन इन्होंने अब्बा जी इन्हों स्कूले छड़ गया है, तो स्कूल वाले ने कहा बड़िया लम्बिया छड़ दी। जराफे ने भी इन्होंने गल करनी हो तो वह भी इंज करके करता है, ए बाजी की हाल ठीक ठाक हो। जराफा कभी ये गल्लां करदा है? कभी भी नहीं। नहीं यकीन होता दोस्त बांदर नूं पुछो, दसो चाचा जी। मैं जानवरां दी गल च बोलदा ही नहीं। अखां में जिहड़ियां तारां नहीं लगी होंदी। हां जी। फिजा ते लंघदी लंघदी उहनूं गिटार दे वांगू वजा दिंदी आ टर। चाचा जी आज आपने ना मेरी इज्जत रखी। मैं तो तुहाडी इज्जत रख लैणी है। तुसीं फिजा जी अफसोस, तुसीं मेरी इज्जत नहीं रखनी। तेरी रहनी नहीं है, क्यों लोग इज्जत रख लैनी है तू। एडा तो चंगा हुंदा मामा घर बच्चे ना रख लेंदा। इन्हें नहीं बाज आना चाचे ने, मैं ए खिंच के ना सारा कुछ रोड़ देना। ना, 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 टोपी को नहीं छूना, ये वो टोपी नहीं है। अच्छा, जो आप समझ रहे हैं ये राज है, राज। और चाचा जी ने एक दिन मुझे कहा था मुड़ ये राज कभी हवेली से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो जेबा बख्तियार जी आएंगी और कहेंगे लाजिए वापस कर लाल दाना, लाल दाना टोपी वाले। अच्छा बाबे की डालर से फोटो छपी होंगी, थले अंग्रेजी च गाला भी लिखी होंगी। जवानी में चाचा घड़ा गाड़ी चलाते रहे ना। मैं एक दिन फिजा जी ने कहा बारबेक्यू खान ते दिल कर रहे हैं। हाँ। इन्होंने इंज करके हाथ वधाया, कुजरा लियो चड़िया दी सीखा चुकिया मैंने फड़ाती। मेरे बारी तो हाथ गुजरा वाले भी नहीं सी गया। उतो उड़दा बटेरा फड़ के मैंने देता ले पका ला। ए जो तारे ने कोई डिजाइनिंग नहीं की। हाँ। इन्होंने हाथ ना समान तो ला के इतने रखे ने। दरबार से ना 25 नान खा के कहना मैं बाबे नूं नहीं मानता। बाबा उठ के आ गया कहना मैं तेनू मान गया उठे तो शाबे। बाबा जी सलाम करन गया तो उत्थे लड्डू पे सन उत्थे खलो के कहन दे सानू दस्या ही नहीं चुप करके मंगनी करा ली। आप दरबार से गया उत्थे नमक पिया होया सी कहिंदा बाबा जी नमक रखिया दर्जन माल्टे भी मंगा लो मजा लेना। अभी दोनों दरबार से गए आ उत्थे कबूतर बैठे सन फिर चुक के ले आंदे चादर च लपेट के ओए होए बाहर 300-300 दे बेचण दे सन। ए भी बॉन्ड ना जेब च पा के ना ते बाबा जी नु कह रहे आ दुआ करना मेरा बॉन्ड निकल जाए। बाहर निकलिया जेब च ही निकल गया। चलिए अब अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं हमारे आज के मेहमानों को, जो मेरी पहली मेहमान है। उनके बारे में मैं आपको बताऊं कि उनको लोग सुनना तो बहुत पसंद करते हैं, मगर साथ साथ वो वाहिद सिंगर है जिनको लोग देखना भी पसंद करते हैं। कॉपी का माहौल चल रहा है मगर उसके बावजूद वो ओरिजिनल काम करती हैं। हमारी आज की मेहमान वन एंड ओनली हुमैरा अरशद। साथ
साथ हम अपने दूसरे मेहमान को भी दावत देते हैं। वो एक ऐसे सियासतदान हैं जो कि चंद इल्जामात की वजह से जेल काट रहे हैं। दौरान असीरी उनके कमरे से ममनुआ मशरूबात बरामद हुए थे। तो चले उनको दावत देते हैं और उनको बुलाकर पूछते हैं कि क्या आप अपनी बीमारी के इलाज की दवाई खुद बनाते हैं। हम दावत देंगे हमारे यहाँ पर अलील इनाम मेमन साहब तशरीफ ला रहे हैं। आपसे सबसे पहले पूछेंगे कि पाकिस्तान में अच्छा म्यूजिक प्रोड्यूस होना बंद हो गया है, ओरिजिनल म्यूजिक क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रहा? मतलब ना तो फिल्म में कोई अच्छा म्यूजिक आ रहा है, ना कोई सोलो एल्बम किसी का ऐसा देखने को मिल रहा है कि आप टीवी पे देखें और सुने कोई नई ताज़ा चीज़ आई है। वीडियो में भी लोग ज़्यादातर कोई म्यूजिक इस तरह का प्रोड्यूस नहीं कर रहे, रिमिक गाना कर रहे होते हैं, पुराना गाया हुआ गाना उठाकर गा रहे होते हैं। तो ये अच्छा म्यूजिक क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रहा है इन दिनों? अच्छा म्यूज़िक प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन एक्चुअली हमारे जितने भी चैनल्स हैं वो सारे हैं न्यूज़ चैनल। पहले जब अच्छा म्यूज़िक आता था, म्यूज़िक चैनल थे बहुत, वहाँ पे म्यूज़िक होता था, गाने हिट होते थे, बसंत आती थी, एल्बम्स बनते थे, एल्बम्स हिट होते थे, और वो बसंत भी बंद हो गई। फिर म्यूज़िक का टोटली जो है इंटरटेनमेंट जो है वो खबरों में चली गई, और म्यूज़िक जो है वो कहीं पे बहुत पीछे रह गया। हमारे सिंगर्स जो हैं उनके लिए प्लेटफॉर्म ख़त्म हो गए। जैसे बहुत होते थे जब म्यूज़िक के चैनल होते थे, तब इवेंट भी होते थे साथ, और बहुत कुछ होता था। 10 बजे की शादी हॉल की पाबंदी लग गई, उसके बाद जो है साउंड सिस्टम पे पाबंदी लग गई, फिल्में जो हैं वो कराची चली गई, म्यूज़िक जो है उसका ट्रेंड ही चेंज हो गया, और सोशल मीडिया रह गया। तो लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे, पहले होता था 10-10, 20-20 लाख रुपए के वीडियो बनते थे, कभी कभी 1-1 करोड़ रुपए के भी वीडियो बनते थे, 50-50 लाख रुपए के वीडियो बनते थे। अब क्योंकि सिर्फ सोशल मीडिया है तो लोग जो हैं वो जब वीडियो बनाते हैं 2-4 लाख रुपए का, तो सोशल मीडिया पे ना वो शेयर होता है ना वो लोग इतना देखते हैं। बिल्कुल, बल्कि मोबाइल से बनाया हुआ कोई भी वीडियो जो है वो ज़्यादा जो लोग हैं वो पसंद करते हैं। तो इसलिए ये भी एक वजह है कि म्यूज़िक जो है वो नया जो है अच्छा क्यों प्रोड्यूस नहीं हो रहा, और लोग जो हैं आजकल पुराने गानों को नए म्यूज़िक के साथ, क्योंकि बहुत सारी हमारी जो न्यू जनरेशन है उसने पुराने गाने नहीं भी सुने हुए, तो जब वो पुराने गाने क्योंकि सदाबहार हैं, जब वो नए म्यूज़िक के साथ आते हैं तो वो पहले तो हैं ही सुपरहिट, लेकिन जब वो दोबारा रिमिक्स होके आते हैं वो और ज़्यादा जो है वो अच्छे मतलब बन जाते हैं। बिल्कुल, तो ये भी जो नए सिंगर्स हैं वो तो सहारा ले ही रहे हैं पुराने गानों का, मैंने देखा है, क्योंकि जो नया सिंगर आता है वो एकदम से रिमिक बना देता है उसका, अपने आप को एकदम से मार्केट में इन कर देता है, थोड़ा सा म्यूजिक चेंज कर देगा, थोड़ी पोएट्री चेंज कर देगा, थोड़ा अपना इंग्लिश स्टाइल कर लेगा, जिसको वो रिमिक कह देते हैं। बिल्कुल, मगर हमारे बहुत से सीनियर भी ऐसे सिंगर्स हैं जो इसका सहारा ले रहे हैं, मतलब सही लगता है। देखिए जहाँ पे जो चीज हिट होगी सभी उसका सहारा लेंगे, एक लाइन सी बन गई है रिमिक। ऑब्वियसली जब लोग जो है, और वो अगर वो चीज हिट भी हो रही है कि एक बंदे ने किया उसकी हिट हुई, दूसरे ने की उसकी भी हिट हुई, तीसरे की भी हुई, तो फिर जाहिर है सारे लोग उसमें जो है वो ट्राई तो करेंगे ना, क्योंकि ना तो फिल्मों में लोगों के गाने आ रहे हैं जो हमारे सीनियर्स हैं, नए लोगों को आजकल जो है वो ज्यादा चांस दिया जा रहा है। जी, जी? हाँ जी। आज जेड़ा तुसीं गाना गाया मैं नहीं बोलदी मेरे विच कौन है? और मेरा फन ने हाय 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 जेड़ा बोलिया तो फिर उन्हें सारे नूं हिला। चाचे ने बैंड का स्टाइल कमाल है, लगता कोक ऑफ द एंकर है। ये एंकर गेस्ट नु यही पूछता है, आप मुझे ये बताएं कि जब आप फिफरा फेंकते हैं तो कहाँ फेंकते हैं और कितने बजे फेंकते हैं, अगर मेरा गुजर हो तो क्या मुझे मिल सकता है कि नहीं? कुछ सुनते हैं आपसे, कुछ गुनगुना दीजिए हमारे लिए और हमारे ये कॉमेडियंस के लिए। कौन सा गाना आप लोग? अच्छा मुझे तो आपका वो गाना बहुत ज़्यादा फेवरेट लगता है, क्योंकि मुझे आपके हाथ बड़े खूबसूरत लगते हैं, गोरे गोरे हाथ हैं, प्यारी प्यारी उंगलियां, इतने प्यारे प्यारे स्टाइल से आप वो गाती है ना, बस वे बस फिर ढोला सुना दे। क्या बात है, बस वे ढोला
ਲਈਏ ਰਾਵੀ ਸੁੱਟਾ ਮੈਂ ਗਨੇਰੀਆਂ ਵੇ ਵਗਦੀ ਏ ਰਾਵੀ ਦੀਏ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਾ ਮੈਂ ਰੁਮਾਲ ਵੇ ਵਗਦੀ ਏ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਾ ਮੈਂ ਰੁਮਾਲ ਵੇ ਇਹੋ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਦਾ ਰਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇ ਇਹੋ ਦਿਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਦਾ ਰਵਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੇ ਬਸ ਵੇ